हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक पोएट्री छोटी सी लेके हाजिर हूँ, और वो पोएट्री है उन लोगों के लिए जो अपने प्यार को प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन सही से कर नहीं पाते हैं, सिर्फ आई लव यू कह देते हैं। और आई लव यू कह देने से सिर्फ प्रपोजल तो सही नहीं हो जाता ना, कुछ रोमांटिक तो होना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कुछ उसे ऐसा एहसास दिलाओ कि हाँ, उसे भी आपसे प्यार हो जाए, वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो थोड़ी सी कोशिश की है मैंने। अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा ना आप लोग सीख लीजिए कि इसको कैसे प्रपोज किया जाता है। तो शुरू करते हैं पोएट्री। तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं, दिल बन कर तेरा तेरे गमों में शरीक होना चाहते हैं। तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं, दिल बन कर तेरा तेरे गमों में शरीक होना चाहते हैं। अरे जान सुनो तो सही, तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हारे अश्कों को अपनी नज़रों में महसूस करना चाहते हैं, तुम्हारे अश्कों को अपनी नज़रों में महसूस करना चाहते हैं, तुम्हारे गुलाबी लबों पर हम सिर्फ अपना नाम चाहते हैं, तुम्हारे गुलाबी लबों पर हम सिर्फ अपना नाम चाहते हैं। सुनो जाना, ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हारे इन नाजुक हाथों में हम अपना साथ चाहते हैं, तुम्हारे इन नाजुक हाथों में हम अपना साथ चाहते हैं, तुम्हारे मेहंदी में हम अपना नाम चाहते हैं, तुम्हारे मेहंदी में हम अपना नाम चाहते हैं। सुनो ना, अरे अब सुन भी लो, तुमसे हम कुछ कहना चाहते हैं, दिल बन कर तेरा तेरे गमों में हम शरीक होना चाहते हैं, तुम्हारे इस नाजुक से दिल को हम संभालना चाहते हैं, तुम्हारे इस नाजुक से दिल को हम संभालना चाहते हैं, तेरे दिल की धड़कन और तेरी ज़रूरी सांसें बनना चाहते हैं, तेरे दिल की धड़कन और तेरी ज़रूरी सांसें बनना चाहते हैं। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, दिल बन कर तेरे गमों में शरीक होना चाहते हैं। अरे पगली, अब भी नहीं समझी क्या कहना चाहते हैं, अरे पगली अब भी नहीं समझी कि क्या कहना चाहते हैं। तो सुनो, तुम हमारे इश्क को कबूल करो, तुम हमारे इश्क को कबूल करो, हमें अपनी सांसों में भरो, हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करना चाहते हैं। अरे मेरी जान, सिर्फ तुमसे बेपनाह मोहब्बत करना चाहते हैं, हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं, हम तुमसे बस इतना कहना चाहते हैं, तुम्हें हम ताउम्र के लिए अपना बनाना चाहते हैं, तुम्हें हम ताउम्र के लिए अपना बनाना चाहते हैं, दिल बन कर तेरा तेरे गमों में शरीक होना चाहते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो अपनी मोहब्बत को प्रपोज करना चाहते हैं। हाँ, अगर सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो उसका भी जवाब कुछ यूं दो लाइनों में आप दे सकते हैं कि शुक्रिया जनाब, अर्ज किया है कि शुक्रिया जनाब जो हमें अपने जज्बातों से यूं तारुफ करा दिया, शुक्रिया जनाब जो हमें अपने जज्बातों से यूं तारुफ करा दिया, मगर मुआफ़ करना थोड़ी देर कर दी, मगर मुआफ़ करना आपने थोड़ी देर कर दी, हमने तो किसी और को अब अपना बना लिया। थैंक यू गाइस, अगर पसंद आई हो तो वही सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।